दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आ रही है ये आ रही है वेस्टर्न रेफ्रिजरेशन की तरफ से। गाइस, यहाँ पर ये जो कंपनी रहने वाली है, इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये कॉमर्शियल रेफ्रिजरेशन को बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, बहुत बड़ी कंपनी है। और आप लोग जैसा कि जानते हैं, आजकल इस कंपनी का जो है ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। तो गाइस, आप लोग इसके लिए किस तरीके से अप्लाई करेंगे, कौन एलिजिबल है, ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूंगी, जिससे कि हमारे जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं वो वीडियो को कंटिन्यू करेंगे और जो एलिजिबल नहीं है वो वीडियो को लाइक करके स्किप कर सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी क्वालिफिकेशन एंड ब्रांच ज़रूर मेंशन करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपकी क्वालिफिकेशन एंड ब्रांच से रिलेवेंट आ पाए। तो देखिए गाइस, यहाँ जो आप लोग स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, सभी स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही साथ गाइस, यहाँ जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है, ओनली ऑन डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस, अगर हमारे यहाँ पर ITI कैंडिडेट या फिर ग्रेजुएट कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक करके स्किप ज़रूर करें। गाइस, आपकी लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, आप लोगों का कोई भी पैसा नहीं जाएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा देना, जिससे कि आप लोगों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए। देखिए गाइस, जो हमारे डिप्लोमा कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर पोजीशन रहेगी DET की। अब देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से कई कुछ टाइम पहले कई स्टूडेंट्स का कमेंट भी आ रहा था कि DET की पोजीशन के लिए वैकेंसी लाएं। ठीक है, तो यहाँ जो आपकी पोजीशन रहने वाली है, DET की पोजीशन रहने वाली है, 1 ईयर की ट्रेनिंग रहेगी। गाइस, जो स्टूडेंट हमारे नहीं जानते अप्रेंटिस क्या होता है, उनके लिए बता देती हूँ, यहाँ जो ओनली ऑन फ्रेशर कैंडिडेट ही अप्लाई करते हैं। अप्रेंटिस और इंटर्नशिप दो होती है। इंटर्नशिप होती है कुछ महीने की, जैसे 8, 6, 3, 2, 1, इस तरीके से अलग अलग मंथ की होती है। लेकिन बात करिए यहाँ पर अप्रेंटिस की, तो अप्रेंटिस 1 ईयर की होती है। 1 ईयर से कम की भी नहीं हो सकती, ना ही ज़्यादा की हो सकती, ये होती है 1 ईयर की। यहाँ पर एक्सपीरियंस वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ओनली ऑन फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 2022 के कैंडिडेट हैं तो भी इसके लिए अप्लाई कर देना। तो चलिए, मैं इसका नोटिफिकेशन एंड सारी आप लोग को इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर कंपनी का नाम दिया गया है, कंपनी का नाम है वेस्टर्न रेफ्रिजरेशन प्राइवेट लिमिटेड। इसके बारे में देखिए बताया गया है, बाकी मैंने थोड़ा शॉर्ट में आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। ये इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉमर्शियल रेफ्रिजरेशन बनाने वाली कंपनी है और यहाँ पर काफ़ी अच्छी रिक्वायरमेंट आ रही है आप सभी के लिए। थोड़ा सा यहाँ से जो है आप लोग पढ़ लिया करें, जिससे कि आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाती है, काफ़ी अच्छा रहता है इन कंपनीज के बारे में। देखिए, इसकी मेन वेबसाइट दी गई, इस पर जाकर आप लोग एक बार चेकआउट कर लीजिए। बाकी पोजीशन आपकी रहेगी डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी, मतलब DET की। ये ट्रेनिंग होती है, अप्रेंटिस होती है। जॉब लोकेशन आपकी अलग अलग दी गई है, ये पूरी जॉब लोकेशन गुजरात की है। ठीक है, गुजरात आप लोग का जॉब लोकेशन रहेगा। सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा दिया गया है, 13,000 सैलरी पैकेज रहेगा, इतना ज़्यादा कम भी नहीं है। जैसे काफ़ी कंपनियाँ देखा जाए तो 10,000 कंपनियाँ देती हैं ज़्यादातर, या फिर 11,000 मिनिमम आप लोग का इन हैंड आपका आ जाता है 10,000 तक। तो यहाँ देखिए 13,000 दिया जा रहा है, तो इन हैंड वाली चीज़ आपका कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, साथ में ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी, ये सारी चीज़ें देने के बाद आप लोग का 12,000 तक आपका इन हैंड आ जाएगा। ठीक है, अब इसके वर्क की बात करें तो आप लोग का 8 आवर वर्क रहता है गाइस। अब डिपेंड करता है आप लोग को वर्क कैसा, बाकी कंपनी की बात करें तो बहुत अच्छी कंपनी है। और देखिए गाइस, आप लोग अगर इसके लिए अप्लाई करते हैं तो 8 घंटे आपका वर्क रहेगा, एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है। अगर आप एक्स्ट्रा टाइम करना चाहते हैं तो उसके भी अलग पेमेंट दी जाती है। और नेक्स्ट, यहाँ पर आप लोग कैंटीन फैसिलिटी वगैरह भी दी जाती है। क्वालिफिकेशन में ऑनली ऑन डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ब्रांच जैसे मैकेनिकल हो गया और केमिकल हो गया। अब देखिए, मैकेनिकल में कई सारी ब्रांच रिलेवेंट होती हैं, जैसे प्रोडक्शन होती है, एक होती है RAC, दूसरी होती है ऑटोमोबाइल। तो ये सभी ब्रांच वाले स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। और यहाँ केमिकल ब्रांच वाले, केमिकल से रिलेवेंट अदर ब्रांचेस हैं तो वो भी अप्लाई कर देना। यहाँ एक्सपीरियंस स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, ओनली ऑन ये फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। अगर आप लोग एक्सपीरियंस अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस, नेक्स्ट वैकेंसी मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगी। आप लोग अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेंशन करना, जिससे कि हमें थोड़ा पता चलेगा कि आप लोगों के पास कितना एक्सपीरियंस है। ओके, तो ये है फ्रेशर्स की। अब बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, तो गाइस सिलेक्शन प्रोसेस कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस की मैं बात करूँ तो 2 तरीके से सिलेक्शन प्रोसेस होगा।
पहला है रिटन टेस्ट, आप लोग का रिटन टेस्ट होगा। और रिटन टेस्ट बहुत सिंपल होता है, मैंने खुद भी दिया है तो इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ। देखिए गाइस, मेरे यहाँ पर मैंने ये दो तरीके से दिया है इंटरव्यू, दो तरीके से। एक बार ये हमारे टाइम पे जो हम लोग जब डिप्लोमा करते थे तो वहाँ पर ये कॉलेज कैंपस में आई थी, जो है कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी थी। मेरे साथ के स्टूडेंट यहाँ पर वर्क भी करते हैं, और साथ में देखिए यहाँ पर कभी भी वॉक इन इंटरव्यू आएगा तो मैं ज़रूर आप लोग को इन्फॉर्म करूँगी। वॉक इन इंटरव्यू बहुत कम आता है इसीलिए गाइस, काफी सारी ऐसी कंपनीज है जिसमें हमारे जो है साथ के स्टूडेंट, साथ में हमारे सब्सक्राइबर वर्क करते हैं, तो वो लोग हमें इन्फॉर्म करते रहते हैं किस कंपनी में जो है वैकेंसी आ रही है। तो आप लोग को मैं उसी तरीके से इन्फॉर्म कर देती हूँ वॉक इन इंटरव्यू। बाकी वॉक इन इंटरव्यू देखिए गाइस, कोई भी साइट पर नहीं निकाला जाता है, ना ही किसी भी आप लोग को ऑफिशियल साइट पर मिलेगा। वॉक इन इंटरव्यू की अपडेट दो जगह से दी जाती है, या तो आप लोगों को लिंक्डइन के माध्यम से या फिर naukri.com के माध्यम से दे दी जाएगी, या फिर जो स्टूडेंट होते हैं वहां पर वर्क कर रहे होते हैं वो लोग खुद अपने ग्रुप्स में शेयर कर देते हैं, यही तरीके होते हैं। तो गाइस काफी सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं, स्टूडेंट्स हैं जो हमें शेयर कर देते हैं और हम आपके लिए वॉक इन इंटरव्यू की अपडेट ला पाते हैं। तो ये है आप लोग का यहाँ पर रिटन टेस्ट। तो रिटन टेस्ट टफ नहीं होगा, बहुत सिंपल होता है। लाइक आप लोगों की जो डिप्लोमा से रिलेवेंट छोटी छोटी चीजें होती हैं, बेसिक जो होता है डेटा वो आप लोगों से पूछा जाता है। पर्सनल इंटरव्यू में देखिए, जैसे आप लोग कोई भी एक सब्जेक्ट बता दीजिए आपको कोई फेवरेट है, या फिर आप लोग एक टॉपिक भी बता देते हैं कि आपको कोई टॉपिक फेवरेट है, आप लोग इससे रिलेवेंट बताइए, टेक्निकल से रिलेवेंट, नॉन टेक्निकल में ना बताएं, ठीक है। तो आप लोगों को काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको पैनल, जैसे आप लोगों ने फोर्थ सेम में होंगे आप लोग या फिर थर्ड सेम में होंगे, प्रैक्टिकल कराया गया होगा, पैनल वगैरह की वायरिंग करना बताया गया होगा, जैसे अलार्म वगैरह होता है या फिर अदर कोई वायरिंग होती है, ये वायरिंग करना बताया जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो वो वायरिंग अगर आपको आती है तो आप लोग देख लीजिए, वर नहीं आती तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए पैनल वायरिंग, आप लोग एक बार में बहुत सारी वीडियोस आ जाएंगे, कोई वीडियो देख लीजिए पैनल वायरिंग कैसे होती है। तो आप लोगों को एक पैनल दिया जाएगा, वहां पर आपको उसकी वायरिंग करके दिखानी होगी, क्योंकि गाइस आपको इसी से रिलेवेंट का वर्क रहेगा, तो इसीलिए आपका इसी चीज़ का इंटरव्यू रहेगा। तो देख सकते हैं गाइस, ये जो वैकेंसी है ये आ रही है naukri.com की तरफ से। DET आप लोग की रहेगी, 0 to 1 year एक्सपीरियंस एलिजिबल है, बट यहाँ पर फ्रेशर ही अप्लाई करना, ओके। और आपका सैलरी पैकेज यहाँ पर काफ़ी अच्छा दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, थोड़ा मैं स्क्रॉल करती हूँ, जॉब हाईलाइट की बात करें तो फ्रेशर स्टूडेंट एलिजिबल है, इसीलिए मैं पहले ही बोल रही थी कि 1 year एक्सपीरियंस वाले ऑलमोस्ट फ्रेशर की जगह पे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसीलिए आप लोग अप्लाई कर देना, ओके। तो DET की पोजिशन रहेगी डिप्लोमा वालों के लिए। यहाँ पर लोकेशन आप लोग का दिया गया है, सैलरी पैकेज दिया गया है, 1 year का रहेगा, और आप लोग के लिए इमीडिएटली ज्वाइनिंग रहेगी, अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो इमीडिएटली ज्वाइनिंग करनी होगी। ब्रांच यहाँ पर दिया गया, परमानेंट जॉब रहेगा। देखिए परमानेंट किस तरीके से, मान लीजिए आप लोग का यहाँ पर DET कंप्लीट होता है, DET कंप्लीट होने के बाद आपको एक्सपीरियंस तो दिया जाएगा लेकिन आपको निकाला नहीं जाएगा। अगर आप कंटिन्यू जॉब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अप्लाई यहाँ से कर देना एक बार, ठीक है, ज़रूर कर देना गाइस, ज़रूर, ठीक है। और अगर इसका जो है मुझे ईमेल आईडी मिलता है इनके HR का, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी, जिससे कि HR की ईमेल आईडी पर आप लोग शेयर करेंगे, बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ज़रूर आप लोग का दोनों तरीके से अप्लाई करेंगे और आप लोग जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो पाएंगे। गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।